الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد ان لا وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا والنور عيننا ومختارنا محمد نبيه ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله تعالى بشأن النبي الكريم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا كما تحب وترضى. जिसके पास मौलाए कायनात अली मुर्तजा हो उसके पास समंदर है और ऐसा समंदर है सब कुछ उसके अंदर है, उसी का जलवा है कि स्टेज पर हमारा कैलेंडर है। ये नस्ले हसन और हुसैन का सदका है कि सादात ए किराम जलवा जाए। आज मैं चाहता हूं कुछ बातें नबी के बारे में हों, कुछ अली के बारे में, कुछ वली के बारे में। ये सीरीज जरूरी की नहीं, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट, वाई वी आर नीडी ऑफ प्रॉफिट। असल में हम अल्लाह को जान ही नहीं सकते, जान नहीं सकते, क्योंकि जानने के लिए जितने सोर्सेस ऑफ नॉलेज हैं अल्लाह उन्हें आता ही नहीं।
हमारे जानने के जितने रिसोर्सेज हैं, हम अपनी पांच ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान लेते हैं। जैसे आंख से हमें पता चलता है कि काला है कि गोरा है, पीला है कि पीला है, कलर मालूम होता है। औरत जा रही है मर्द जा रहा है, आंखें बताती हैं। आवाज सुरीली है, मीठी है कि कड़वा हट है कि फटे बाबू की तरह, ये कान बताता है, उससे हमें ज्ञान होता है क्या सुर है क्या ताल है क्या रिदम है। कान सुन ये खुशबूदार है या बदबूदार है, सुगंध है या दुर्गंध है, इसका ज्ञान हमें नाक से होता है। ये मीठा है या तीखा है या तीखा है, इसका ज्ञान हमें जबान से होता है। और ये ठंडा या गर्म है, इसका ज्ञान हमें हाथ से छूने से होता है। यही पांच ज्ञानेंद्रियां हमारे जानकारी के लिए जरूरी है। और अल्लाह किसी सोर्स ऑफ नॉलेज में नहीं है। क्यों हम आपसे अल्लाह को देख नहीं सकते, कान से सुन नहीं सकते, नाक से अल्लाह को सुन नहीं सकते और जबान से अल्लाह को चख नहीं सकते और हाथ से टच नहीं कर सकते, तो जाने ही नहीं सकते। तो जो सोर्सेस इंसान के पास है, उससे वो खुली चीजों को तो जान सकता है, ढकी चीजों को तो नहीं, गैब की बातें नहीं। अल्लाह गैब है, गैबुल गैब है, सबसे बड़ा गैब है। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हो गए वो भी खुदा को न जान सके, क्योंकि कॉलेज में यूनिवर्सिटियों में फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बुखारी है, मुस्लिम है, इल्म गैब नहीं है। तो जरूरी है कि उस गैबुल गैब को बताने के लिए कोई आलिम गैब आए, उसी आलिम गैब को नबी कहते हैं। हमें जमीन के नीचे पानी है कि पेट्रोल है, लोहा है सोना है, यह जानने के लिए नबी की जरूरत नहीं है। हमारे पास साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और ये जानने के लिए मैं नबी की जरूरत है कि दो को मिलकर जो ऑक्सीजन है हवा उसके ऊपर क्या है। हमारे पास एक स्पुतनिक है, हम ज्ञान ले लेंगे। और वो जो चांद है, चंद्रमा, जिसको मामा कहते कहते बच्चा जवान हो गया, वहां रूसी और अमरीकी जूते उसे रगड़ के आए हैं। वहां जाने के लिए हमें रॉकेट की जरूरत है, लेकिन अल्लाह एक ही है ये बताने के लिए जरूरी है। अब उन्होंने तीन सवाल होंगे लास्ट साइंटिस्ट को, वैज्ञानिकों को ले आओ, मैं चुनौती देता हूं, वो अपने आगे से ये तो पता लगा सकते हैं कि कब्र में जो लेटा है उसका कफन बचा कि नहीं, उसकी हड्डी है कि नहीं। लेकिन वो ये नहीं बता सकते इस पर अजाब हो रहा है कि नहीं, क्योंकि हड्डी मुशाहिदा है और अजाब है। लेकिन मेरा नबी बताएगा कि कब्र में तीन सवाल हो गए, तीन ही सवाल होंगे।
तो जिसके पास नबी है वही खुदा तक पहुंचे। वो अनंत है, निराकार है, असीमित है, विश्वव्यापी है, कण कण में विद्यमान है, उसका ज्ञान हमें कैसे होगा? हम सीमित हैं, वो असीमित है, हम अंत हैं, वो अनंत है, हम लिमिटेड हैं, वो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड कांट इंटर इनटू लिमिटेड, असीमित सीमित में आएगा नहीं। यही वजह है कि जहां नबी नहीं है वहां लोगों को पता नहीं कि कितने खुदा का पास पड़ोस में नजर डालो, उनके पास सब है, नबी नहीं। वो दावा भी नहीं करते कि उनके पास नबी है। एक करोड़, दो करोड़, बीस करोड़, तीस करोड़, 35 करोड़, क्यों ऐसा कहते हैं? केवल नबी नहीं आया, और आया भी तो गुम है नाम। अगर आया है तो ना नाम मालूम ना पैगाम मालूम। तो जहां नबी का नाम ना हो, नबी का पैगाम ना हो, वो भला पगा तक कैसे पहुंचेगा? और एक दूसरी जगह रही है इसी धरती पर, नबी का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, आई मीन बाइबिल, नबियों का नाम है। अब ये कि हम लोग अरबी में नबी का नाम लेते हैं, इंग्लिश में नाम लेते हैं, हम दाऊद कहते हैं, यूसुफ हम कहते हैं, जोसा, याकूब हम कहते हैं, जैकब, नबियों के नाम है। आदम से लेके जीसस तक नबियों का नाम है। यहूदियों के पास, ईसाइयों के पास नबी का नाम है, पैगाम लाए। मूसा का पैगाम यहूदियों में गायब, ईसा का पैगाम ईसाइयों में गायब। सिर्फ मुसलमानों तुम खुशनसीब हो, नबी का नाम भी है, नबी का पैगाम भी है। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखने बात को, मैं कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं करता हूं, और बड़ा छोटा बनाने की मेरा कोई इरादा भी नहीं है। यथार्थ को तर्कसंगत आपके समक्ष रखूं मेरी ड्यूटी खत्म। किताब वाले और पैगंबर वाले दुनिया में तीन है, यहूदी, ईसाई एंड मुसलमान, इनके पास नबी और किताब। उन्हें भी चौरेज के लिए नहीं संभाल पाए। गौरी चेंज हो गई, संशोधन, एमेंडमेंट। हालांकि बदला की किताब की किसी देश का संविधान नहीं था कि बदलते रहो और सेंचुरी मार दो। सबसे ज्यादा तो संशोधन हमारे यहां हो चुका। अल्लाह की किताब है, उसमें संशोधन की कोई जगह नहीं है। लेकिन तौरे जैसी तौरे अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को दिया था, आज नहीं है। जैसी इंजील अल्लाह ने ईसा अलैहिस्सलाम को दिया था, बाबा आज नहीं है।
लेकिन जैसा कुरान अल्लाह ने रसूल को दिया वैसा आज है। वजह क्या है? एक तो ये कि अल्लाह अपनी किताब का कुरान का खुद मुहाफिज है, और दूसरी प्रैक्टिकल बात ये है कि जब मूसा ने तौरेत दिया तो तौरेत के साथ औलाद नहीं लगाई। जब ईसा ने तौरेत इंजील दिया उन्होंने तो शादी नहीं किया, उनका कोई अपना परिवार ही नहीं था। मूसा अलैहि सलाम का परिवार था मगर तौरेत के साथ परिवार को नहीं लगाया। मानने वाले और मानने वाले तो बदलते रहते जो पड़े पान से पहचाने जाओगे और मेरा मदनी वो है जिससे पड़े पान है क्या? जब पब्लिक लगाएगी तो कोई इल्जाम नहीं लगेगा। एक बात अच्छी तरह से समझ लो, वो लोग और हैं जो कुर्सी में ताकत मानते हैं। ये मेरा फैसल इस्लाम है जो आज तक कुर्सी में ताकत बंगाल के भी हालात देख रहा था, इधर से कूद के इधर आना, इधर से कूद के उधर जाने, बोले कौन लोग, बोले दल बदलू, दल बदलू चुना था, अब पीर बदलू देते। तुम्हारे राजकरण रू को भी मजलू कर दिया। आओ मेरे नबी को देखो, उन्होंने कुरान सबको दिया। मेरे नबी ने कुरान सारे सहाबा को दिया मगर साथी किसे मनाया? दो भारी चीजें ले रहा हूं, कुरान और अहले बैत।
मैं तो ग्रामों में फंसाऊंगा नहीं है, अब भी ग्रामों को हाने की जगह नहीं है। बस किसी भी कठमोल्ला को पूछोगे तो ग्रामर से उसका बाप भी इनकार नहीं कर सकता। ग्रामर को ग्रामर है यार, ग्रामर का कोई इंजीनियर नहीं है। ग्रामर ये है कि जब अरबी में कोई वर्ब मुजारे का हो और पदनंद आती हो, तुम्हारा होता हरगिज हरगिज। अगर वो या फॉलोवर है तो हरगिज हरगिज नहीं मारेगा। तो हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान और अहले बैत को मजबूती से पकड़ा, हरगिज हरगिज गुमराह नहीं होगा। गारंटी है। सबसे कठिन इबादत जो है वह है अबे कहां कहां खर्चे पानी पड़ते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा जो हज करेगा कभी हर दिन हर दिन गुमराह नहीं होगा, नमाज पढ़ेगा हर दिन गुमराह नहीं होगा, रोजा रखेगा हर दिन गुमराह, गारंटी नहीं है। कभी तो कई गुमराह हज करने चले जाते, कई गुमराह मस्जिदों में नमाज पढ़ने आ जाते हैं, मगर अगर कुरान और अहले बैत का दामन मजबूती से पकड़ा तो डेफिनेटली सर्टेनली एग्जैक्टली एब्सोल्युटली हर किस गुमराह का होगा। तो आप अगर हमारे इलाके में कोई गुमराह मिल जाए तो उसे झगड़ा मत करना, समझ जाना या तो इसने कुरान छोड़ा है या अहले बैत से पंगा लिया। अहले बैत में छोटे छोटे बच्चे भी अहले बैत होते हैं। भलाए कायनात के पोते परपोते भी अहले बैत हैं, मगर जो बात इमाम हसन में है, जो बात इमाम हुसैन में है, यजीद को लोग कब्र तक नहीं जानते। कहा है हुसैन छा गए जमाने में, दो भारी चीज ये भारी क्यों कहा था, कीमती क्यों नहीं कहा, तो दो कीमती चीजें छोड़ रहा ऐसा है, हर कीमती भारी नहीं होता और हर भारी कीमती नहीं होता। तो कीमती कहते 100 डॉलर यूनाइटेड स्टेट का कीमती है कि नहीं, 100 डॉलर इशारा समझना, 100 डॉलर अमेरिका आज के लोग उड़ जाए, एक फूट में उड़ जाएगा कि क्यों, कीमती है भारी नहीं है। कीमती है भारी नहीं है, फूट में उड़ गया कि घमंड मत करना, तुम्हें भी उड़ाया जा सकता है, बस फूकने वाले का इंतजार है। अब यहां आप ये देख रहे कि अहले बैत को कुरान का साथी बनाया है। ओके बाबा साहिब साहब कुरान को साथी क्यों नहीं बनाया, दुनिया में सबसे अच्छी और टॉप क्लास की जमात का नाम है जमाते साहबा, आसमान ने इसी जमात देखी ही नहीं, न ऐसा रसूल कहीं है न ऐसी असहाबे रसूल कहीं है।